फ्रेंड आज है 22 जनवरी यानी कि राम मंदिर को लेकर बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है आज वाले दिन। और आज मॉर्निंग के टाइम पर ही फ्री फायर इंडिया को लेकर भी बहुत बड़ी सी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है। देखो इस वीडियो में फ्री फायर इंडिया को लेकर गुड न्यूज जो निकल कर आई वो तो मैं आप लोग को बताऊंगा ही, साथ ही आज राम जी के मंदिर को लेकर जो काफी खुशी का दिन है उसके स्पेशल में आज बहुत सारे लोग खुश होंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग अपने घर को सजाएंगे, बहुत सारे लोग अपनी मिठाइयां बांटेंगे एंड बहुत सारे लोग दिवाली भी मनाएंगे। एंड इसी चीज को देखते हुए गाइस मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ एंड मैंने भी आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें सोच रखी है। मतलब कि आज की इस वीडियो में मैं भी आप लोग को कुछ ना कुछ गिव अवे करूंगा, तो सारे लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आप लोग को क्या गिव अवे करूंगा वो सब कुछ आपको इसमें पता चलेगा इस वीडियो में। और हाँ, दो दिन के बाद में ओवी 43 का अपडेट है, अपडेट के बाद में क्या क्या चीजें चेंज होने वाले अपने गेम के अंदर वो भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। वीडियो सच में बहुत ज्यादा स्पेशल है मॉर्निंग में, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड ये देखो अपने गेम के अंदर भाई न्यूज वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पर बैनर आ रखे हैं बहुत सारे, जो कि ओबी 43 अपडेट के बाद में चेंजेस होने वाला है वो सब कुछ यहाँ पर दिखा रखा है। मैं नीचे से शुरू करता हूँ। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर नीचे में दिखाया जा रहा है कि बीआर और सीएस को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट दिया गया है, मतलब कि जो हमारे बीआर में जो कार्स होती है उनमें अपडेट दे दिया गया है कि ये वाली जो ब्लू वाली कार है इसमें हम लोग सिर्फ दो लोग बैठ सकते थे, लेकिन ओबी 43 अपडेट के बाद में क्या होगा यहाँ पर हम लोग पूरी स्क्वाड बैठ सकते हैं, मतलब कि चार बंदे यहाँ पर इस वाली गाड़ी के अंदर अब हम लोग बैठ पाएंगे ओबी 43 अपडेट के बाद में। तो ये चीज़ इसमें चेंजेस कर दिया गया है। एंड उसी के साथ यहाँ पर साइड में जो टुक टुक की जो गाड़ी हम लोग की टुक टुक जो कार है अपनी उसके अंदर क्या करा गया है यहाँ पर इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया है, समझ रहे हो। इसकी स्पीड मतलब कि बहुत ज़्यादा हल्की थी, कोई भी इसको चलाना पसंद नहीं करता था, बट अभी स्पीड जो है इसकी बढ़ा दी जाएगी ओबी 43 अपडेट के बाद में। और इसके अलावा यहाँ पर जो हम लोग का मॉन्स्टर ट्रक है भाई इसमें भी बहुत बड़ा से चेंजेस कर दिया गया है। चेंजेस ये कर दिया गया है कि इसकी जो स्पीड है वो तो यहाँ पर मतलब कि बढ़ाई गई है, लेकिन साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी एनिमी को डैमेज देते हैं या फिर ग्लोवल को तोड़ते हैं तो उल्टा हम लोग को HP और हम लोग को मिलेगी। इस टाइप का कुछ ये अपडेट है जो कि ओबी 43 अपडेट के बाद में हो जाएगा सब कुछ। एंड उसके अलावा यहाँ पर कुछ घर को लेकर अपडेट दिया गया है कि शायद घर के अंदर बंदा रहेगा तो शायद मार नहीं पाएंगे या फिर कुछ इस टाइप का रहेगा, फुल बॉडी दिखना चाहिए तब मार पाएंगे, कुछ देखते हैं भाई क्या रहता है ओबी 43 अपडेट के बाद में। एंड इसके अलावा यहाँ पर नीचे में दिखा रहा है कि यहाँ पर हम लोग एयर को शायद मंगा सकते हैं या फिर मशीन को जहां पर चाहो वहां पर मंगा सकते हैं, कुछ ऐसा अपडेट है। और इसके अलावा यहां पर साइट में कार को लेकर भी कुछ अपडेट दिया गया भाई, यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, बट जो भी है यहां पर ओबी 43 की अपडेट के बाद में ये चीजें यहां पर चेंज होने वाला है, अपडेट होने वाला है। इसके अलावा ऊपर बढ़ते ऊपर में यहां पर दिखा रहा है वेपन्स को लेकर यहां पर जो इनका एट्रीब्यूट्स होता है ना, जो एबिलिटी होती है उसके ऊपर यहां पर बदलाव होगा बहुत ज्यादा, मतलब कि ये जो गन की स्किन मैं यहां पर आप लोग को दिखा रहा हूं इन गन की स्किन की जो एबिलिटी को है उनको चेंज कर दिया जाएगा, कुछ गन की स्किन को एबिलिटी को जो है अच्छा कर दिया जाएगा, कुछ गन की स्किन को जो है मतलब कि उनकी एबिलिटी को बेकार कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर में यहाँ पर जो अपडेट है वो कैरेक्टर्स को लेकर जो है अपडेट है, यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इन कैरेक्टर्स में से क्या होगा बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं कुछ कैरेक्टर को जो है एबिलिटी अच्छी कर दी जाएगी और कुछ कैरेक्टर्स की जो एबिलिटी है उसको बेकार कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर में यहाँ पर एक चीज़ और दिखा रहा है कि भाई नेक्स्ट्रा 2.0 का हम लोग का मैप आने वाला है, मतलब कि अभी तक जो हम लोग नेक्स्ट्रा मैप खेलते थे उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा, उसको अपडेट कर दिया जाएगा मतलब कि, और उसके अंदर नई नई चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये देखो नेक्स्ट्रा मैप जो है उसका साइज कम कर दिया गया है, 68 MB था अभी उसका 35 से 40-45 MB तक रहेगा और मैप को छोटा कर दिया गया, ठीक है, नेक्स्ट्रा मैप को छोटा कर दिया गया है। और उसी के साथ में यहाँ पर जो मैप के अंदर आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी अब, ठीक है, साइट में दिखा रहा है बिल्डिंग के देखने को मिलेंगी और लोकेशन आप लोग को चेंज देखने को मिल जाएंगी थोड़ी थोड़ी, नीचे दिखा रहा है जो भी नेक्स्ट्रा मैप की लोकेशन है उनको थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो ये नेक्स्ट्रा 2.0 करके मैप अपग्रेड हो जाएगा ओबी 43 अपडेट के बाद में। इसके अलावा ऊपर बढ़ते हैं, अभी यहाँ पर भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी यहाँ पर ये दिखा रहा है द चॉइस इज कमिंग, मतलब कि इवेंट हम लोग का स्टार्ट होने ही वाला है, तो जिसको कुछ बैनर दिखा रहा है यहाँ पर। एंड इसके अलावा ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है ओबी 43 अपडेट यानी कि न्यू पेज अपडेट रिवॉर्ड, जे रिवॉर्ड बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, मतलब कि बंडल बिल्कुल फ्री मिलेगा, इसका इसकी स्किन बिल्कुल फ्री मिलेगी, ये वाला इमोट बिल्कुल फ्री मिलेगा, और भाई जी नीचे ऑक की गन की स्किन जो हमारी नेक्स्ट वेपन रोल गन की स्किन रहने वाली मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बिल्कुल फ्री मिलेगी, और ये है हम लोग का एक न्यू कैरेक्टर ये भी बिल्कुल
बिल्कुल फ्री में मिलेगा, नीचे दिखा रहा है 24 जनवरी को बिल्कुल फ्री में ये कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है। मुझे पता है अभी आपने कैरेक्टर यहाँ पर देख लिया है एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसकी एबिलिटी क्या है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको इसकी एबिलिटी दिखा देता हूँ, इस न्यू कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है। अभी देखो मैं एक क्रैश प्लेट मोड में आ चुका हूँ, यहाँ पर मेरे पास इसकी एबिलिटी भी है, मतलब कि कैरेक्टर है लगा हुआ, और अभी मैं इसकी एबिलिटी को छोड़ता हूँ तो यहाँ पर देखो जी एक स्पाइडर की इतना एक एबिलिटी है इसकी, जो कि एक सर्कल में जा रही है सामने एंड वहाँ पर जाके देखो ये रुक गई है। अगर इसके सर्कल में कोई भी एनिमी आता है तो ये उसके ऊपर एकदम चिपक जाएगी और उसको ये डैमेज देने लगती है, इस टाइप की ये कुछ एबिलिटी है। काफी कमाल की मुझे ये एबिलिटी लगी, मतलब कि एनिमी को अपने पैरों के नीचे से जकड़ भी लेगी और उसको काफी ज्यादा डैमेज भी देगी, इस टाइप की कुछ एबिलिटी है जो कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। बाकी इसका फुल तरीके से रिव्यू मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा। और हाँ, इसके अलावा मैं एक चीज तो भूल ही गया आपको बताना कि अपना जब गेम अपडेट हो जाएगा, अपडेट के बाद में अपने गेम का जो लोगो रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, मतलब कि अभी के टाइम पर जो हम लोग का फ्री फायर मैक्स का लोगो है वो इस टाइप का है और अपडेट के बाद में अपना लोगो फ्री फायर मैक्स का इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा चलो अभी यहाँ पर गेम को स्टार्ट करके भी आपको दिखा देते हैं कि अपने बरमोड़ा मैप के अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस हो चुके हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर मैंने लैंडिंग की और लैंडिंग करते ही आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर मैं गन को लेकर लैंड कर रहा हूँ, मतलब कि समझ रहे हो, यहाँ पर मैं रिवाइव होकर नहीं आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्लेन से लैंड कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे हाथों में यूएमपी गन है, मतलब कि अब हम लोग यहाँ पर जब भी प्लेन से लैंड करेंगे तो हाथ में एक गन को लेके ही लैंड करेंगे। इस टाइप का जी कुछ अपडेट हो चुका है यहाँ पर, जो कि काफी कमाल का है। एंड इसके अलावा यहाँ पर बरमोड़ा मैप के अंदर मुझे एक चीज दिखाई दी कि जो हम लोग का अर्सनल बॉक्स है ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जहाँ पर हम लोग लूट करते जाके हैं जो बॉक्स को ओपन करते हैं वो पूरा का पूरा बॉक्स को चेंज कर दिया है, डिजाइन उसकी मतलब कि चेंज हो गई है, अंदर से भी हो गई है चेंज एंड बाहर से भी इसकी डिजाइन को जो है वो चेंज कर दिया गया है, मतलब कि है तो सेम टू सेम बट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। और हाँ फ्रेंड, इसके अलावा ये देखो जो मैं जीप चला रहा हूँ, जीप के आसे पास यहाँ पर कुछ सीलिंग टाइप की कुछ एनिमेशन आ रहा है, जैसे कि अपनी जीप को पूरा कवर कर लिया हो, तो ये भी कुछ अपडेट होने वाला है अपने गेम के अंदर, देख लो मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले ही। एंड हाँ, इसके अलावा आपको मैं एक चीज और बता दूं, मेरे हाथ में एक न्यू गन है जो कि स्नाइपर गन है, जो तो मैं आपको बताने भूल रहा हूँ कि जी बिल्कुल न्यू गन आने वाली है अपने गेम के अंदर। पहले तो देख लो भाई, गन कुछ इस टाइप की होगी जो कि स्नाइपर गन है, बिल्कुल न्यू आने वाली है अपने गेम के अंदर, और अभी मैं इसी को ही यूज कर रहा हूँ एंड इसका डैमेज आपको दिखाते हैं, मतलब कि कैसा है, AWM से अच्छा है या फिर बेकार है। जैसे कि सामने एनिमी है, मैं इसको डैमेज कर रहा हूँ, तो देखो भाई इसका जो बॉडी शॉट है वो 99 गया है, तो मतलब कि भाई बॉडी शॉट तो बहुत बेकार गया इसका डैमेज, स्नाइपर के नाम पर मतलब कि बेकार ही गन है एक तरीके से ये, और ये बिल्कुल न्यू गन है जो कि आने वाली है, मैंने आपको इसको भी दिखा दिया। चलो अभी यहाँ पर मैं फिर से लैंड कर रहा हूँ एंड यहाँ पर अभी मैं पीक के ऊपर लैंड कर रहा हूँ, और मुझे पता है पीक को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर बंदे एक्साइटेड हैं कि अपनी ओल्ड पीक वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो भाई ऊपर से ही आप लोग को दिखाई दे रही होगी कि हम लोग की जो न्यू वाली पीक है वही पीक है और यहाँ पर कोई भी ओल्ड पीक वापस नहीं आ रही है। वैसे भी अपने गेम के अंदर कोई भी चीज एक बार चेंज हो जाती है तो वापस नहीं आती है, तो उसको आप लोग ज्यादा मिस मत करो ओल्ड पीक को, बस वो वापस नहीं आएगी अभी। एंड अभी यहाँ पर जो न्यू पीक है वो सेम टू सेम वैसी है, अभी उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने मशीन के अंदर एक चीज दिखाई दी कि यहाँ पर दो तरीके की चिप है, मतलब कि जो कि मिल रही है अपडेट के बाद में, ये दो तरीके की चिप आप लोग को मशीन के अंदर देखने को मिलेंगी, तो ये चीज भी मैंने आप लोग को यहाँ पर पहले दिखा दी है। चलो गाइस, यहाँ पर सब कुछ मैंने चेंजेस एंड क्या क्या बदलाव होने वाले अपने गेम के अंदर सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। एंड अभी यहाँ पर बात करते हैं फ्री फायर इंडिया के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आज इतना स्पेशल दिन है अपने राम जी को लेकर एंड उनके स्पेशल दिन में यहाँ पर मैं आपको गिव अवे क्या करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपको डायमंड तो नहीं बोल सकता कि डायमंड मैं आपको गिव अवे करूंगा, बट यहाँ पर लिमिट के हिसाब से अगर आप लोग जो भी कुछ मांगोगे वो मैं आपको गिव अवे करूंगा, और मैं ये गिव अवे करूंगा लाइव प्रूफ लाइव आकर, ठीक है। मैं अपने इंस्टाग्राम पर आज लाइव आ जाऊंगा शाम 6 बजे, इंस्टाग्राम को जिसने फॉलो नहीं किया फटाफट फॉलो कर लो, ये मेरी इंस्टाग्राम की न्यू आईडी है, इस पर मैं लाइव आऊंगा एंड इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा एंड कमेंट बॉक्स से लिंक पिन कर दूंगा, इसको जाकर फॉलो कर लेना, फॉलोवर्स अभी कम है बट कोई नहीं गाइस, इसको फॉलो कर लो, इसी पर मैं शाम में लाइव आऊंगा, शाम में गिव अवे करते हैं, जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, ठीक है। याद से फॉलो जरूर कर लेना जाकर, लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। एंड चलो अभी यहां पर बात करते हैं फ्री फायर इंडिया के बारे में कि भाई गुड न्यूज क्या निकल कर आ रही है। तो देखो भाई, ये एक बैनर निकल कर आया है फ्री फायर इंडिया को लेकर, यहां पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि भाई फ्री फायर इंडिया एंड 26 जनवरी को लॉन्च हो जाएगा, मतलब कि इस टाइप का जी बैनर है तो भाई लॉन्च हो ही जाएगा 26 जनवरी को फ्री फायर इंडिया, इस टाइप का जी बैनर निकल कर आया है, तो वो चीज मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। बाकी अभी देखो कंफर्म ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ है फ्री फायर इंडिया 26 जनवरी को लॉन्च होगा कि नहीं होगा, वो तो अभी कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म होगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी मुझे जो छोटी छोटी अपडेट मिलती रहती है वो चीज मैं आप लोग को दिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको सब कुछ बताया है, सारे बंदों से एक रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करो, और हाँ गिव अवे के लिए रेडी हो जाओ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो जाकर, और इस वीडियो में भाई राम जी को लेकर बहुत सारी कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।